हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज का आपका आईएलटीएस का एग्जाम हो चुका है, तो आइए देखते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के एग्जाम में रीडिंग पैसेज 1 एंड पैसेज 3 आपको मेरे ही मटेरियल से रिपीट हुआ है। सेम एज इट इज थर्ड पैसेज मैंने चैनल पे भी डाल रखा था, जल्द ही मैं आपको उनके टाइटल भी बताऊंगा। लिसनिंग मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं आपका। लिसनिंग आज के एग्जाम में ईजी थी, किसी भी सेक्शन में स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पार्ट वन आपका टॉयज के रिलेटेड था। राइटिंग मॉड्यूल की बात करें तो टास्क वन में आपको पाई चार्ट देखने को मिला। इट वॉज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किए थे। सो ये था आपका टास्क वन आज के एग्जाम के अंदर। टास्क टू यानी ऐसे की बात करें तो रोड सेफ्टी के ऊपर था कि ड्राइवर्स को ड्राइविंग टेस्ट हर साल देना चाहिए। एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और सेम क्वेश्चन मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर पिन कर रखा था विद सैंपल आंसर। तो होपफुली आपने ये नोट देखा होगा जो मैं आपको हर एग्जाम में, मैं कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग टास्क इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ विद सैम्पल आंसर। आई होप कि आपने इसकी भी तैयारी की होगी। नाउ अब आते हैं आपके रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर जो आज के एग्जाम में रिपीट हुआ। पैसेज वन हिस्ट्री ऑफ केक्स आपको मेरी रीडिंग बुक में से सेम एज इट इज देखने को मिला है। ये हिस्ट्री ऑफ केक्स एट वेडिंग्स, सबसे पहले आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे, ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, सेम ही आए हैं, स्टूडेंट से मैंने कंफर्म कर लिया है। उसके बाद आपकी ब्लैंक्स थी और आपका डायग्राम था। सो दिस वाज द पैसेज वन इन टुडेज एग्जाम। पैसेज टू आपका जियो डाइवर्सिटी था, इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, जल्द ही मैं लाइव आऊंगा आपके साथ। पैसेज थ्री म्यूजिकल एक्सपर्ट, व्हाट मेक्स अ म्यूजिकल एक्सपर्ट, ये वाला पैसेज आपको देखने को मिला। और सेम पैसेज मैंने आपको यूट्यूब पर डाल रखा था, मेरे स्टूडेंट्स जिनके पास मेरी बुक्स हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, एडवांस में उनको टॉपिक्स मैंने बता रखे थे। एंड ये पैसेज व्हाट मेक्स ए म्यूजिकल एक्सपर्ट सेम एज इट इज़ रिपीट हुआ है आज के एग्जाम में। एंड मैंने अपने चैनल पर एग्जाम प्लेलिस्ट डाली है रीडिंग पैसेजेस की, एग्जाम रीडिंग पैसेजेस की, और हर थंबनेल में साफ साफ लिखा है रियल एग्जाम। होपफुली आपने ये पैसेज तैयार किया होगा, इसके आंसर भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। और सेकंड पैसेज के आंसर अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्द ही विद इन 30-40 मिनट्स मैं लाइव आऊँगा, रीडिंग लिसनिंग दोनों ही मॉड्यूल्स की हम डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जीटी के टॉपिक्स भी जल्द ही मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। सो ये मेरा लिसनिंग वाला चैनल है, लिसनिंग फॉर आइल्स, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स लिसनिंग रिपीट हो चुकी है। आज भी आप चेक करें, हो सकता है कि पार्ट फोर या फिर पार्ट टू एंड थ्री में से कोई रिपीट हुआ हो, यहाँ से आप चेक करके कंफर्म कर लीजिए। एंड जिसको भी रियल एग्जाम मटेरियल चाहिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको मैं सारी बुक्स कॉम्बो पैक में मिलेंगी आपको, आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, पिछले तीन एग्जाम से मैं कुछ नोट कर रहा हूँ कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स जिनके 150 के सब्सक्राइबर्स हैं, सिल्वर बटन है, दे आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं एग्जाम के रिलेटेड। आज भी उन्होंने गलत टॉपिक्स डाल रखे हैं, टास्क वन के भी टास्क टू के भी। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बट मिसगाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, कंफर्म करना चाहिए इधर उधर स्टूडेंट से। ना पूरे इंडिया में कोई डिफरेंट लोकेशन पे टास्क अलग होते हैं, ऑल ओवर इंडिया आपका टास्क वन टास्क टू रीडिंग सब सेम होता है पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम का। सो अगर कोई यूट्यूबर आपको मिसगाइड करे कि हमारे मटीरियल से आया और ये देखिए डिस्कस बोथ यूज आया था और आपका टास्क वन ये आया, तो आपने उसके जाल में नहीं फंसना है। दे हैव जीरो क्रेडिबिलिटी, सिर्फ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स होने से कुछ नहीं होता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल माने जाते हैं। अब बात करते हैं आपके जीटी एग्जाम की। सो जीटी एग्जाम में आपको टास्क वन लेटर आई थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स कुछ डेंजरस एक्टिविटीज कर रहे हैं कॉलेज के आउटसाइड, तो आपने हेड को कंप्लेन करना था बेसिकली। टास्क टू था कि ज़्यादातर लोग आजकल अपार्टमेंट्स में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, अपने घरों के बजाय। सो एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप आपको देखने को मिला। जीटी स्टूडेंट्स अपने रीडिंग टॉपिक्स मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। एंड जिसको भी मेरे ऑनलाइन बैच में एनरोल करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के 8.58 बैंड, रीडिंग लिसनिंग में 8899 बैंड भी आए हैं मेरे स्टूडेंट्स के, आपके भी आ सकते हैं अगर आपने एनरोल करना हुआ। मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे टेक्स्ट कर लेना, आपको अगर एग्जाम मटेरियल चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। पिछले चार लगातार एग्जाम में राइटिंग रीडिंग आपको मेरे ही बुक से देखने को मिल रही है, एंड जिन्होंने भी मेरे से ली हैं उनको मालूम है अच्छे से कि क्या क्या रिपीट हुआ है, और आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रूफ देखने को मिल जाएगा।
सो जल्दी लाइव आता हूँ, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। आपके लिए टारगेट है 8K सब्सक्राइबर्स आपने चैनल के ऊपर करने हैं, आपने 600 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रख के चलना है, आने वाले 4-5 दिन में हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच, आई सी यू वेरी सून।